अब आ रहा है साउंड? अब आ रहा है साउंड? ठीक है दोस्तों, तो जब कभी भी आपको डाइल्यूशन लेना मुश्किल हो जाए तो रेमेडी के ड्राई ग्लोबुल्स को आप प्रिस्क्राइब कीजिएगा। जिस डाइल्यूशन के आपको ग्लोबुल्स देना है उसी डाइल्यूशन को आरएस बेस बनाकर उसका प्रिपेयर कीजिए। अब दोस्तों, आधे घंटे पर या 1 घंटे पर, ठीक है, आप कैसा देना चाहते हो, है ना? इमरजेंसी की कंडीशंस हो तो आधे से 1 घंटे के अंतर पर आप मेडिसिन को दे सकते हो, याद रखिएगा इसको। अन्यथा अकॉर्डिंग टू मैटी थेरेपी मैक्सिमम 4 to 6 टाइम आप 4 से 6 बार मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, 4 to 6 टाइम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 4 बार बहुत होता है। आपको लग रहा है कि नहीं, इसको रिकवर करने की जरूरत है, तो रिकवर करने में वहां पर आप इसको दोस्तों सबसे पहले 6 टाइम दो, उसके बाद जैसे रिकवर हो जाता है उसके बाद इसको वहां पर कम करते चले जाओ दोस्तों। इसीलिए बेटर इफेक्ट आपको नजर आएगा दोस्तों। यानी आप अगर वहां पर देखते हो कि मुझे इसको 305 ग्लोबल्स देखना है, तो डेफिनेटली हमको ये देखना पड़ेगा कि फंक्शनल मेडिसिन है तो बिफोर मिल देना है। याद रखिएगा, लॉजिक है इलेक्ट्रोमोपैथ का, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको फंक्शनल मेडिसिन देना है तो आपको 3 से 5 ग्लोबल्स प्रत्येक खाने के पहले बिफोर मील देना है आपको। तो जो स्ट्रक्चरल मेडिसिन देना है वो आफ्टर मील हाफ और 1 आवर, आधा या 1 घंटे के बाद आपको देना है दोस्तों। याद रखिएगा, आप जब भी आप इस कंडीशन में देते हो और हाई पोटेंसी की मेडिसिन देते हो तो दोस्तों मॉर्निंग में या नाइट में ड्राई रूप से आप डायरेक्टली टंग में देते हो, आपको मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, या खाने के साथ या किसी भी पेय पदार्थ में आप मिला सकते हो जो हल्का सा खुनखुना होता है। यानी आप चाय में भी दे सकते हो, गर्म पानी में भी दे सकते हो, नेवर माइंड, हमें उसको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप डायरेक्ट ऑन टंग भी दे सकते हो या किसी भी प्रकार के खाद्य, जैसे दूध पी रहा दूध में दे दिया, गर्म पानी पी रहा गर्म पानी में दे दिया, चाय पी रहा चाय में दे दिया। इवन अगर मुश्किल हो, कई बार होता है पेशेंट को निगलने में और घुटने में प्रॉब्लम आती है, कई बार पेशेंट को लगता है अरे यार मुंह मीठा हो जाता है, आप उसको कहो जो सब्जी खा रहा है, जो गर्म गर्म चीज खा रहा है उसमें डाल ले दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमको ये कंसिडरेशन करना है, यहाँ पर ये मेडिसिन पेशेंट लेकर आया हमारे पास कंडीशन, कि ये कंडीशन पेशेंट की मैस्यू डोज को देने की है या माइन्यूट या लाइटर डोज देने की है, ये हमको डिसाइड करना है। ये पेशेंट हमारे सामने बैठता है, मेरे प्रोटोकॉल बताने से आपका केस हिल नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। मैस्यू डोज तुरंत असर करता है, जब भी इमरजेंसी कंडीशन आती है तब मैस्यू डोज दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जब माइन्यूट डोज की तुलना करते हैं मैस्यू डोज से, तो माइन्यूट डोज जो होता है बहुत लाइटर होता है, देन जो मैस्यू डोज होता है बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, तुरंत पेशेंट के कंडीशंस को एनर्जेटिक कर देता है दोस्तों। इसीलिए उन केसेस में जहां पर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, यानी वहां पर आपको स्पेशली मैस्यू डोज का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। अब मैस्यू डोज कैसे होगा, कैसे सिलेक्ट करोगे आप कि भाई कहाँ कहाँ देना है, कुछ उदाहरण बताइए। ठीक है, जिनको फैंटिंग फिट्स आती है, याद रखिएगा एपिलेप्टिक अटैक अनकॉन्शियस के दौरे होते हैं उनको दोस्तों, उनमें क्या करना है, मेडिसिन को अगर वो ओरली ले सके तो दीजिए, अन्यथा पानी में घोल लीजिए, 1 गिलास पानी में 100 ग्लोबल्स घोल लीजिए और 1-1 चम्मच जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली पिलाइए। ठीक है, किसी को क्रैम्स आते हैं, याद रखिएगा किसी को क्रैम्स आते हैं। तीसरा पैरालिटिक अटैक आता है, सी सिकनेस यानी समुद्र में जाते हैं वहां पर हम इस कंडीशन को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि भाई ये कंडीशन वहां पर बहुत ब्रिलियंटली काम करती है दोस्तों। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जो वहां पर आप लोगों को सुनाई देती है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को यह मेडिसिन जरूर देना चाहिए दोस्तों, जो मेडिसिन टिपिकली आप लोगों के प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब करता है। इसीलिए ये सारी चीजें आपको टेबल प्रैक्टिस में बताई जाती है जो आपको देखने का है दोस्तों। इसीलिए जब आप वहां पर सी सिकनेस में जाते हो, समुद्र तल पे जाते हो, ब्रोंकियल ट्यूब्स में अगर मान लो बहुत सारा म्यूकस कलेक्ट हो गया हो, आपको कफ निकालना हो, तो
तो ऐसी कंडीशन में आपको टिपिकली वहां पर मैसिव डोज देने की जरूरत होती है दोस्तों। किसी को चिल्स लग रही है, ठीक है, या अरेस्टेड सपुरेशन, यानी कहीं पर देखोगे आप पस पड़ा हुआ है, उस पस को बाहर निकल रहा है, वो निकल नहीं रहा, और नहीं निकल रहा तो बहुत सीवियर पेन कर रहा है। इसीलिए वहां पर आप दोस्तों इस पूरी प्रोसीजर को जनरेट करते हो और इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। मैसिव डोज बहुत उपयोगी होता है दोस्तों, किंतु सभी एबनॉर्मल एक्शन के बाद उसी के अनुरूप रिएक्शन भी होती है। याद रखिएगा, आपने सभी एबनॉर्मल एक्शन के बाद में आप देखेंगे उसी के अनुरूप वहां पर आपको ये रिएक्शन भी देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों जब भी क्रॉनिक डिसीज का ट्रीटमेंट करते हो वहां पर हमेशा माइन्यूट डोज का उपयोग करना। याद रखिएगा, हमेशा वहां पर माइन्यूट डोज का उपयोग करना। केवल एक परिस्थिति आएगी जहां पर आपको लगेगा कि इस पेशेंट को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आप उस कंडीशन में उसको न्यूट्रिशन दीजिएगा, और न्यूट्रिशन के बाद सीधा माइन्यूट। इसीलिए मैं जनरली कहता हूँ, कहीं किसी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसीलिए जनरली कहता हूँ, पहले हाई पोटेंसी के 2 से 4 डोज देकर डिसीज को अपने कंट्रोल में लाइए आप, ठीक है। आप कंट्रोल में लाते हो, उसको बैलेंस कर देते हो। आपको पता है एक बार 30 के ऊपर के जितने डाइल्यूशन दिए जाते हैं 1 महीने तक उसका असर होता है दोस्तों। तो हम जब 3 से 5 डोज दे देते हैं दोस्तों, 1 महीने पूरे स्ट्रांगली वहां पर माइन्यूट डोज का असर आपको देखने को मिलेगा। इस बीच हम देखते हैं कि पेशेंट में सहन शक्ति कितनी है, उसका रोग क्यों ठीक नहीं हो रहा। अगर डीप सीटेड होगा या किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन लेकर आ रहा है तो क्रॉनिक डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए माइन्यूट डोज का जो प्रयोग करते हो वो इसीलिए पावरफुल हो जाता है। लेकिन केवल ये देखना है कि पेशेंट में लड़ने की शक्ति कितनी है, यानी आप कुछ समय के लिए न्यूट्रिशन दीजिए और न्यूट्रिशन के साथ हाइपोटेंसी के मेडिसिन दीजिए, ठीक है। जब उसमें लड़ने की शक्ति आ जाए, इसीलिए मैं 15 दिन लीवर मिक्सचर की बात करता हूँ। 15 दिन आप लीवर मिक्सचर दे दीजिए और उसके बाद में आप उसके साथ में मेडिसिन को दे दीजिए, आप देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उदाहरण समझिए दोस्तों, जब मैसिव डोज की बात करते हो तो 5 से 10 ग्लोबुल्स का प्रयोग P1 देने पर क्या करेंगे दोस्तों। जब आपने P1 को किसी भी व्यक्ति को जिसको कफ नहीं निकल रहा है, ठीक है, उसको P1 का 10 ग्लोबुल्स अल्टरनेट देन 5 से 10 ग्लोबुल्स है ना, और P1 के साथ में अगर आपने C13 भी दे दिया। पहले तो केवल P1 का प्रैक्टिकल करना, ठीक है, जब MMP ग्लोबुल्स बना होता है और जब वहां पर कफ बाहर नहीं निकल रहा होता है तब P1 को देकर ही आप एक्सपेक्टोरेशन के प्रोसेस को बढ़ाते हो, इसलिए ब्रोंकियल ट्यूब को ये रिलैक्स कर देता है, ठीक है, रिलैक्स कर देगा, यानी वहां जितना कफ है सब घुलकर बाहर आ जाएगा दोस्तों, यानी उसको पुनः रीजनरेट करने का काम किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यहां पर अगर वर्मीफिगो की 5 ग्लोबुल्स देंगे तो क्या होगा दोस्तों, वर्मीफिगो ग्रुप नरवाइन मेडिसिन है दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल काम करती है, पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन करती है, स्टमक में होने वाला जो क्रैम्प्स होता है ना, जो यूट्रस में जो क्रैम्प्स होता है ना, दर्द होता है ना लेडीजों को, उसको ठीक करने का काम करता है दोस्तों। यानी आप जब वर्मीफिगो ग्रुप की मेडिसिन 5 ग्लोबल्स दोगे, स्टमक में किसी को पेन हो रहा ना, आप इमीडिएट ठीक करते हो। यही तो कारण है स्पाजमेटिक ड्रॉप में वर2 को यूज किया गया है, ठीक है, S5F1 वर2YV, क्योंकि वर1 से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है वर2, और बहुत ज्यादा डीप में काम करता है वर1। जहां जहां काम करता है वहां वर2 काम करता है, लेकिन वर1 से ज्यादा डीप में वर2 काम करता है, इसीलिए वहां पर यूज किया गया है दोस्तों। तो स्टमक में होने वाला क्रैम्प्स और यूट्रस में होने वाला क्रैम्प्स भी ठीक हो जाता है दोस्तों। इसीलिए जब स्क्रोपुलोसो से आप 5 से 10 ग्लोबुल देते हो तो क्या होता है दोस्तों, कोई फैंटिंग यानी बेहोशी में चला गया, ठीक है, किसी को किसी भी कारण से क्रैम्स आ रहा है वो ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आपको ये छोटी छोटी प्रोसेस याद होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शनल रेमेडी है दोस्तों। जब आप एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन A1 A2 A3 आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हो और 2 से 5 ग्लोबुल्स दे रहे हो, क्या होगा दोस्तों, आप देखो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। A1 दोगे आर्टरी का सर्कुलेशन बढ़ा, A2 दोगे वीनस ड्रेनेज बढ़ा, अगर आप A3 दोगे हार्ट ब्लड आर्टरी वेन चारों का सिम्टम बढ़ जाएंगे, चारों का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब किसी फीमेल को मेंसेस सरप्राइज रहता है, हम करते क्या है, A1 दे देते हैं, हम नहीं देते C1A1, ठीक है, C1A1B या C1A1RE या A3BE की ग्लोबल जब देते हैं दोस्तों, तो दबा हुआ मेंसेस जो होता है खुलकर सामने आ जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार जब वहां पर होगा कंट्रोल तो वो कैसे होगा, हार्ट के फंक्शन को हमने इम्प्रूव कर लिया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया, चाहे वो आर्टेरियल हो या वीनस ड्रेनेज हो, दोनों कंडीशन को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। हमने देखा कि वहां पर
हार्ट का एक्शन भी नॉर्मल हो गया, बढ़ के पहले कम था, बढ़ गया, बढ़ के बिल्कुल न्यूट्रल कैटेगरी में आ गया, उसकी बॉडी के हिसाब से सेट हो गया और हमने देखा फंक्शन हुआ, रियलाइज हो गया। दोस्तों ये सारी चीज आपको देखने को मिलती है। एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन को हिमोरेजेनिक के कंडीशन में केवल एक गोली को एक गिलास पानी में डिजोल्व करिए दोस्तों, और वहां पर उसको एक गोली को एक ग्लोबुल्स को आप वहां पर डिजोल्व कीजिए, और एक एक या आधा आधा चम्मच दिन भर में हर घंटे पे लेने को बोलिए, जब तक ब्लीडिंग बंद नहीं होती। आप देखिएगा इमीडिएट ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली देना है तो 10th डाइल्यूशन बनाइए और आप दे दीजिए आप, ठीक है। 10th डाइल्यूशन इज अ मिरेकल डाइल्यूशन फॉर एनी टाइप ऑफ हिमोरेज, ठीक है। तो आपको पता है आप 10th डाइल्यूशन का ही ग्लोबुल्स प्रिपेयर कर लीजिए, आप उसकी एक ग्लोबुल्स डाल के दे दीजिए, आप देखो वही रिजल्ट मिले। आपको ज्यादा मेडिसिन नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, आप एक ग्लोबुल्स में प्रिजर्व करेंगे, लेकिन आरएस बेस्ड मेडिसिन होगी तभी ग्लोबुल्स में प्रिजर्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये प्रोटोकॉल बहुत ऑथेंटिकली काम करता है दोस्तों। इसी प्रकार ये तो इंटरनल मैंने मेडिसिन के उदाहरण बताए, कई बार मैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए आपको यूज होने वाला डोज बोलता हूँ दोस्तों, ठीक है। जब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट किया जाता है तो डोज इंटरनली डोज के समान ही होता है, लेकिन जितने भी एक्सटर्नल कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उन कॉम्प्लीमेंट्स में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग जरूर किया जाता है। इंटरनल ट्रीटमेंट में आप चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं करें चलेगा, लेकिन एक्सटर्नल में बगैर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग आप नहीं कर सकते, उसके रिजल्ट आपको प्रभावित नहीं मिलेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रभावित कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, जब आप वहां पर कुछ केसेस को ट्रीट करते हो दोस्तों, तो आपको ये रखना पड़ेगा कि यदि डिसीज पर रेमेडी के एक्शन होने लगे, फल मिल रहा है आपको, रिजल्ट मिल रहा है, तो डोसेज को सहजता बढ़ा देना चाहिए। याद रखिएगा मैं ये वो चीज बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने S1C1A1F1RE को 3rd डायलेशन, P3C13A3VR1YG, इसको 3rd डायलेशन दिया, ठीक है। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी पेशेंट को बार बार सर्दी होता है, नाक में से म्यूकस निकलता रहता है, सलाइवा निकलता रहता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब आपने पेशेंट को 3rd डायलेशन में 10-10 ड्रॉप 4 टाइम्स दिया, क्या पेशेंट को एक ही डायलेशन 10-10 ड्रॉप से रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब पेशेंट आएगा पहले मैंने बोलेगा हाँ मस्त रिजल्ट आया सर, मजा आ गया, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। जब आपके पास 15 दिन बाद आपने रिटर्न वही मेडिसिन कर दिए, लेकिन डोज नहीं बढ़ाया, डोज बढ़ाना पड़ेगा। जब आप 10-10 ड्रॉप 4 टाइम्स दे रहे हो, फर्स्ट टाइम में आप 10-10 दो, अगर इसी से रिजल्ट मिल गया, कोई भी डिसीज का जब ट्रीटमेंट करते हो तो इस रूल को फॉलो करो आप। उसके बाद में 15-15 ड्रॉप कर दो, उसके बाद में 20-20 ड्रॉप, ऐसे आप 40 ड्रॉप तक जाइए, ठीक है। 40 ड्रॉप में देखा गया है कि उसके बाद दोबारा आपको वो कंडीशन नहीं आती है, आपका पेशेंट लगभग लगभग क्योर हो चुका होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा ये टिपिकल फार्मूलेज है जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों को बताया गया है, आप सीनियर लोगों को भी शायद मैंने बहुत कम बार ये बताया है, लेकिन ये बहुत बड़ा बेस है दोस्तों, और ये बेस अगर आप सीख गए तो आप समझ जाओगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखना है किसी भी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट या सिम्टम का एग्रवेशन हो जाए तो ध्यान रखिएगा इस डोसोलॉजी को बिल्कुल लाइट कर दीजिएगा, यानी ओनली 1 या 2 ड्रॉप्स, आपका पेशेंट उसी में रिकवर हो जाएगा दोस्तों। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं दोस्तों जब आप किसी ड्रग ट्रीटमेंट के बाद या उसका फंक्शन अगर स्लगिश हो गया हो दोस्तों, तो मैसी डोज पहले देंगे, ठीक है। उसके कुछ फंक्शन जो बॉडी के ऑर्गन के कम हो चुके हैं उनको बढ़ाया जाएगा, तो उस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी आपकी ग्लोबुल्स होती है उसको पहले पॉजिटिव दीजिए, और धीरे धीरे आपको लगने लग गया कि हाँ अभी ये रिस्पॉन्स में आने लग गया, उसको रिड्यूस कर दीजिए दोस्तों, तो वहां पर जो सेंसिटिवनेस होती है वो स्पष्ट हो जाती है दोस्तों। यानी डोज के सिलेक्शन में क्लाइमेट को भी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है। अगर गर्म है आप 40 ग्लोबल्स दोगे तो हालत खराब हो जाएगी उसकी, इसलिए आपको डोसोलॉजी आपके एटमोस्फेयर, आप जहां प्रैक्टिस करते हैं वहां के एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर वार्म वेदर में या एयर में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है दोस्तों, वहां पर कभी भी ध्यान रखिएगा आप कोल्ड वेदर की तुलना में डोज बहुत ही स्मॉलर देना चाहिए। यानी आपको क्लियर समझना है कि जहां पर हीटेड वातावरण होता है, गर्म वातावरण होता है,
उस गर्म वातावरण के दौरान आपको मेडिसिन की क्वांटिटी बहुत कम रखना है दोस्तों। याद रखिएगा, मेडिसिन की क्वांटिटी जब आप कम रखोगे तभी वहां पर गर्मी में रिजल्ट मिलेगा, और जहां ठंड होता है वहां हीट देने की जरूरत होती है। हम क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए एनर्जी को अगर आप ज्यादा दोगे तो गर्मी में और ज्यादा हीट पैदा करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपके पास जब कोई पेशेंट ऐसा आकर बोलता है कि सर आप जो ये दवाई दे रहे हो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मुझे चेस्ट में बर्निंग होता है, मुझे एब्डोमेन में बर्निंग होता है, मुझे यूरिन के फ्लो में बर्निंग होता है, आप वहां पर ये समझिए आपने जो मेडिसिन दी है वो बहुत ज्यादा हैवी पड़ रही है, उसका शरीर खोखला है, उसको पानी की जरूरत है, उसको मिनरल्स की जरूरत है, उसको विटामिन की जरूरत है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपका डोज आपको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि वो आधा ही डोज उसके लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पर हैवी डोज ना देकर उसको केवल लाइटर डोज, कम डोज, आधा डोज, हाफ डोज कर दीजिए आप दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, जब आप राइट रेमेडी का सिलेक्शन कर लेते हो दोस्तों, ठीक है, हमें अच्छी तरह से ओवरडोज के सिम्टम के बारे में सारी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अगर हमने गलती से किसी को ओवरडोज दे दिया तो क्या करना है? ठीक है, ओवरडोज दे दिया तो पेशेंट को परेशानी हो जाएगी, तो आपको उसको निपटने के तरीके भी आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो राइट रेमेडी के सिलेक्शन के बाद जब बहुत जल्दी ये दिखता है कि डोज ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, तो जिसके कारण टाइम का वेस्ट भी होगा दोस्तों, ठीक है, और पेशेंट को डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, अरे यार इसने जो दो दवाई दिया डॉक्टर ने उसके कारण तो मुझे तो तकलीफ बढ़ गई, क्योंकि तो आपने क्या करा, स्ट्रॉन्ग डोज दे दिया दोस्तों। इसीलिए आपको याद रखना है, आपका यही गट्स, आपका यही माइंड आपको टेबल प्रैक्टिस सिखाएगा। अगर आप टेबल प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करते हो, आप केवल कॉपी पेस्ट करते हो, तो आपके लिए वो बहुत नुकसानदायक है दोस्तों। कभी भी आप, मैं जो चाह रहा हूं कि ऐसे 1,000 एलेक्ट्रोमेपेट डॉक्टर बनाए जो अपने आप में परफेक्ट हो, बहुत मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, प्राय वो रेमेडीज के प्रति विश्वास नहीं करेगा दोस्तों, याद रखिएगा, भले ही उसका सेवन ना करे वो, लेकिन वो फिर एक दूसरे पेशेंट्स को भी बोलेगा अरे यार इसके पास मत जाना, ये दवाई जो होता बहुत गर्म देता है ऐसा, जबकि हमारी मेडिसिन टोटल हर्बल मेडिसिन से, प्लांट से बेस्ड है, कोई गर्म नहीं होती, लेकिन हमारी मेडिसिन में एनर्जी होती है, और एनर्जी जब ज्यादा क्वांटिटी में दी जाएगी तो आपको पता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वो क्यों ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, जब आप गलती से, एक उदाहरण समझिए, गलती से अगर आपने एंजाइटिको ग्रुप के A1 को फर्स्ट डायल्यूशन में दे दिया, क्या करेगा दोस्तों? सबको पता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, और यदि ओवरडोज ले लिया तो मान लो आपने 10 10 ड्रॉप 4 बार कहा, तो पेशेंट ने कहा एक काम करो मैं 40 ड्रॉप एक बार में ले लेता हूं, ठीक है, उसने 40 ड्रॉप ले लिया, क्या होगा दोस्तों? हेड में कंजेशन के सिम्टम आने लगेंगे, यानी ब्लड जो होता हेड की तरफ, क्योंकि हार्ट हार्ट पास में ब्रेन के, तो यहां पर क्या होगा, जैसे असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, और आर्च ऑफ एओर्टा से डायरेक्ट वहां पर सप्लाई होती है ब्रेन को, तो ब्रेन में क्या होगा, हेड में कंजेशन के सिम्टम आने लगेंगे, टेम्पल, ये जो टेम्पल रीजन है ऐसा लगेगा धक 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 धक, थ्रॉम्बिंग सिम्टम आने लगेंगे, कान में क्या आवाज सुनाई देने का, ईयर में बजिंग, यानी कानों में भनभनाहट जैसी आवाज आने लग जाएगी, और हार्ट में पल्पिटेशन होगा, और कभी कभी प्राय चक्कर आने लग जाते हैं, कभी कभी देखोगे नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, ये कंडीशन जब फर्स्ट डायलिशन से होती, तब आपको पूछने की जरूरत है क्या, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आया जिसको ये सारे सिम्टम हो रहे हैं आप क्या करोगे? आपको मैंने बहुत बड़ा प्रोटोकॉल बता दिया दोस्तों, जो टेबल प्रैक्टिस में हर इलेक्ट्रोमेपेट डॉक्टर के हाथ पांव फुला देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पेशेंट आया जो बोल रहा है कि साहब आप उसकी कंडीशन देख कर रहे हो कि यार इसको हेड में कंजेशन है, ठीक है, आपको लग रहा है कि टेम्पल और रीजन में थ्रॉम्बिंग हो रहा है, इसको पल्पिटेशन हो रहा है, ये बोल रहा है मेरे कान में बहुत बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही जो पहले कभी नहीं सुनाई दी, ईयर में बजिंग साउंड आ रहा, ठीक है, और वर्टिगो साथ में हो रहा, ठीक है, और बोल रहा है कि साथ में मुझे नोज से ब्लीडिंग हो रही, ठीक है, यानी एपिस्टेक्सिस मान लो, ब्रेन हेमरेज मान लो, किसी भी प्रकार का हाई ब्लड प्रेशर मान लो, क्या करोगे? A1 का 200 देते हो आप, ये प्रूफ हुआ, A1 का 10th दो पहले, डायरेक्ट A1 का 10th डाइल्यूशन दे दो, 5 ड्रॉप्स 4 to 6 टाइम दे दो, या 5 5 ग्लोबिस 1 गिलास गुनगुने पानी में 10 10 मिनट में सिप 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 बाय सिप पीने को दे दो, आप देखो इमीडिएट विदिन 24 आवर आपके पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा दोस्तों। यदि वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, A1 का 200 दे दो, 3 से 4 डोज दो, आप देखो कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद जनरल टॉनिक सेकेंड डायलेशन चला दो, सारी कंडीशन बेस हो जाएगी दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, यदि मान लो आपको टेक्निक पता है कि जब हम स्क्रोपलोसो ग्रुप का ओवरडोज दे रहे हैं तो उससे वहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी,
दोस्तों उसको वेकफुलनेस आ जाएगी, यानी कोई आदमी बोलता है ना मुझे नींद नहीं आ रही, मतलब नींद बहुत ज्यादा आ रही, आप वहां पर दोस्तों डायरेक्ट ओवरडोज दे दो स्कोपोलामाइन ग्रुप का, दिन भर चला ही फिरा करेगा, रात में भी चलता रहेगा, वेकफुलनेस हो जाएगी दोस्तों। सेंग्वाइन पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन और लिम्फेटिक पेशेंट में डायरिया हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपने किसी को स्कोपोलामाइन ग्रुप की मेडिसिन दी, अगर वो पेशेंट सेंग्वाइन टेम्परामेंट का है उसको कब्ज हो जाएगी, और अगर वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट का तो उल्टा डायरिया हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यानी वर्मीफिगो का अगर आपने ओवरडोज दे दिया तो क्या होगा दोस्तों, वर्मीफिगो भले ही वो पेन को रिड्यूस कर रहा है लेकिन कब, जब आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर किसी सामान्य व्यक्ति को सामान्य रूप में आपने देने की कोशिश की तो दोस्तों जब भी वर्मीफिगो आप दोगे एब्डोमन में सीवियर पेन शुरू हो जाएगा दोस्तों, आप क्या करोगे, जब एब्डोमन में सीवियर पेन हो जाएगा आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। साथ ही साथ आप जब इस कंडीशन को देखते हो नर्वस एजिटेशन और डायरिया भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ये सारे सिम्टम आ जाएंगे। तो हमने गलती करी, जब भी तो आ रहे हैं ना दोस्तों। यदि इफेक्ट आप कैंसरों का दे रहे हो, आप कैंसरों का वो डोज दे रहे हो दोस्तों, क्या करेगा वो, ठीक है, स्क्रोपलोसो के समान ही जहां पर वहां पर फंक्शनल डिफॉल्ट हुआ था यहां पर स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट होते हुए आपको देखा जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोमोपैथ मेडिसिन में नाहक किसी प्रोटोकॉल को ऐड नहीं करना, कभी भी स्क्रोपलोसो की दो मेडिसिन एक साथ ऐड नहीं करना, कभी भी कैंसरसो की दो मेडिसिन एक साथ ऐड नहीं करना। आपका माइंड सेट करके आप अलग अलग मिक्सचर में दो मेडिसिन दे सकते हो चलेगा, लेकिन एक ही मेडिसिन में एक फंक्शनल और एक स्ट्रक्चरल, दो प्रोटोकॉल्स आपको जनरेट करना है। लेकिन कभी कभी फंक्शनल में स्ट्रक्चर और कभी कभी स्ट्रक्चर में फंक्शनल मेडिसिन भी इक्वली मिलाई जाती है दोस्तों, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा एक फंक्शनल, उस ऑर्गन के फंक्शनल लेवल को, एक उसके स्ट्रक्चरल लेवल को मेंटेन करने वाला डोज ही आपके लिए परफेक्ट होता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि जहां वेनेरू की जरूरत नहीं लोग जबरदस्ती वेनेरू लगा देते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एकमात्र मेडिसिन है इमरजेंसी के हमारे पास, यानी वेनेरू के ओवरडोज में स्किन पर ऑटोमेटिकली इरप्शन आने लगते हैं। कई बार हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ये गलती करते हैं, वो S1 और वेन 1 को ध्यान नहीं रखते, ये बहुत गर्म मेडिसिन है, उष्ण मेडिसिन है दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर जितने भी वेस्टेज मटेरियल होता है बॉडी उसको बाहर निकालना शुरू कर देती है, तो पूरी बॉडी के लेवल पर आप देखोगे छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं। तो दोस्तों यदि अगर आपके पास इसी प्रकार के कोई केस आया कि भाई इसको पिंपल्स हो रहे हैं बॉडी पे, आप क्या करोगे, आप तीन मेडिसिन को मेमोराइज कर लीजिए, आप C3 S1 वेन 1, तीन मेडिसिन 30 डाइल्यूशन पे देने पर किसी भी प्रकार के लोकल इरप्शन को, जो छोटे छोटे पिंपल्स के रूप में ऊपर आते हैं हमारी बॉडी के, 100% क्योर कर लेते हैं। वेन वन स्पेशली गायनिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, बेलेनाइटिस हो गया, ठीक है, आप पेनिस या वेजाइना के आसपास देखो छोटी छोटी पुंसियाओं के खुजली आती है, आप वहां पर देख के देखिएगा, ठीक है, इसका सपोर्ट कर दीजिए C330 के साथ। बॉडी के डीप लेयर में कहीं से भी अगर कोई चीज ऊपर आकर बाहर निकल रही है तो C3 का 30 डाइल्यूशन एनी टाइप ऑफ इरप्शन पे बहुत ब्रिलियंट काम करता है, और S1 तो ऑलरेडी है, अगर S1 को पॉजिटिव में दिया तो छोटे छोटे पिंपल्स बाहर निकाल देता, लेकिन S1 30 में दिया तो आप देखो कंप्लीटली क्योर कर देता। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली कहा जाएगा कि जिस प्रकार से होम्योपैथी का लॉ काम करता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमोपैथ का लॉ भी काम करता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमोपैथी में भी लॉ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है दोस्तों। इसीलिए किसी भी रेमेडी का ओवरडोज जब सिम्टम होता है, जब उसको बढ़ा देता है, तो किसी भी रेमेडी का वहां पर आप किसी भी प्रकार का उसको करेक्शन कर दीजिए, तब तक जब तक उसके इक्वल क्वांटिटी में अपोजिट रिएक्शन डेवलप नहीं होती तब तक आप मान के चलिए उसको रिलीफ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने वही मेडिसिन जो आप अभी 10 10 ड्रॉप दे रहे हो, वही मेडिसिन आप 2 ड्रॉप दिया, आप यहाँ 10 ड्रॉप 1 कप पानी में दे रहे हो, वहां 2 ड्रॉप 1 गिलास पानी में दिया, आपने दोनों चेंज कर दिया, एक तो मेडिसिन के पॉजिटिविटी को नेगेटिव कर दिया और जो व्हीकल था आपने आधा 1 कप पानी लिया था उसको 1 गिलास कर दिया, तो मेडिसिन माइन्यूटली डोज में चली जाएगी और आपका पेशेंट का जो एग्रावेशन है इमीडिएट वहां पर रिलीफ में बदल जाएगा दोस्तों। यानी कहने का ये मतलब है जब किसी रेमेडी का ओवरडोज दिया जाएगा दोस्तों तो कुछ केसेस में आप देखोगे ना वहां पर बहुत डेंजरसली काम करता है दोस्तों, इसलिए आप पता होना चाहिए। S1 की ड्राई ग्लोब्यूल्स के द्वारा उसको काउंटरेक्ट किया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। जब भी कोई मेडिसिन इलेक्ट्रोमोपैथ की साइड इफेक्ट क्रिएट कर रही होती है या एग्रोवेशन क्रिएट कर रही होती है, S1 का 40 to 100 ग्लोब्यूल्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 कप या 1 गिलास पानी में डिजोल्व कीजिए, उसको कहिए आप 1 1 चम्मच हर आधे घंटे पे
अकॉर्डिंग टू डेंजरस कंडीशन, वहां पर आप इसको हर आधे घंटे में पिलाइए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ज्यादा नहीं, 2-3 दिन में कवर हो जाएगा, आप एक एक चम्मच हर घंटे में पिलाइए, 1 या 2 दिन में पूरा सिम्टम कवर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अन्य केसेस में जब आप कोई मेडिसिन का सिलेक्ट करते हो तो वहां पर रेमेडी का थर्ड डाइल्यूशन लेकर दोस्तों तत्काल वहां पर प्रभाव को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। यानी आपने अगर पॉजिटिव फर्स्ट में डाइल्यूशन दिया है तो उसको थर्ड डाइल्यूशन में कर दो आप, ठीक है। मेडिसिन बदल दो पेशेंट से लेकर, आप ये भी कर सकते हो दोस्तों। या सबसे बढ़िया तरीका है, आपको अगर उसका असर तुरंत खत्म करना, पेशेंट दूर रहे और पेशेंट समझ नहीं रहा, उसको कहना है एक काम कर, नींबू का शरबत बना ले पी ले, या 1 चम्मच नींबू के रस को आप 1 गिलास पानी में डिजोल्व करवा दीजिए और उसको कहिए कि पी लीजिए आप, ठीक है। आप ट्रीटमेंट विद इन 30 सेकंड आपका जितना भी साइड इफेक्ट डेवलप हुआ है वो चला जाएगा दोस्तों। क्यों चला जाएगा? क्योंकि खटाई, नींबू अचार और दही और छाछ, ये 4 चीज का परहेज हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ के लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा आपकी मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये वहां पर तुरंत साइट्रिक एसिड के बिहाफ पर काम करेगा और वहां पर जो कंटेंट होता है उसको डिस्टर्ब कर देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर बायकार्बोनिक एसिड के रूप में जो बाहर निकल रहा है उसको रोक देगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का लेवल हमारी बॉडीज में डेवलप हो जाएगा तो बहुत ही डेंजरस कंडीशन क्रिएट करेगा दोस्तों, और कंडीशन को वर्स कर देगा। इसीलिए दोस्तों आपको, आप जो इस प्रकार का नींबू का आपने दे दिया, आगे आगे का ट्रीटमेंट जब आप देते हो दोस्तों, तो आप मान के चलिए 5 दिन तक कोई भी ट्रीटमेंट उसको इनइफेक्टिव ही रहेगा, इफेक्टिव नहीं होगा इलेक्ट्रोमोपैथ का। क्योंकि एक बार आपने किसी मेडिसिन का डिजोल्व करवाया है, उसके कैरेक्टर को, उसके विष को खत्म कराया है दोस्तों, आप मान के चलिए 5 दिन तक आपको कोई भी मेडिसिन वहां पर असर नहीं करेगी। ये बेसिक साइंस है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमोपैथ के तरफ हमने टेबल प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया, इसलिए आपको ये सारी चीज बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। सबसे बेस्ट वाली बात करते हैं हम दोस्तों, मैंने बहुत सारा रामायण गा दिया आपके सामने, लेकिन अब मैं वो बता रहा हूं, आप अगर नोट करना चाहो दोस्तों तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। जब आप वहां पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लेवल पर आप डोज को सेट करना चाहते हो, उसकी एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप चलिए दोस्तों। सबसे पहले बात करूंगा डोज क्या होना चाहिए, दूसरी बात करूंगा मैं किसके लिए, इन्फेंट्स के लिए, तीसरी बात करूंगा चिल्ड्रन जो 2 साल से कम होता है, चौथी बात करूंगा मैं वो चिल्ड्रन जो 2 से 6 साल के बीच में होता है, ठीक है, वो चिल्ड्रन, उसके बाद 5वीं बात करूंगा जो 6 से 12 साल में होता है, ठीक है। बहुत सेंसिटिव जितनी वुमेन्स होती है उनको भी इसी श्रेणी में डाला जाता है दोस्तों, यानी जो चिल्ड्रन 6 से 12 साल होते हैं, जब बहुत सेंसिटिव वुमेन्स होती है उनको भी इस श्रेणी में डाला जाता है, ठीक है। और जो छठा होता है वुमन बहुत हैवी सेंसिटिव मैन, ठीक है, वुमन भी आ गया इसमें, और जो बहुत ही हैवी सेंसिटिव मैन होता है वो भी इसमें आ गया, ठीक है। और जो 7वां लास्ट होता है, जो बाकी के बच्चे मेन होते हैं जो सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो वहां पर लेवल पर आते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, हम 7 चैप्टर में बात करेंगे। पहले बात करते हैं डोज, जब आप डोज देते हो तो इलेक्ट्रोमोपैथ में डाइल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब डाइल्यूशन देना है, ठीक है भाई, क्या इन्फेंट को आप फर्स्ट डाइल्यूशन दे सकते हो, सेकंड दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इन्फेंट्स का डोज हमेशा थर्ड डाइल्यूशन में जनरेट होता है, याद रखिएगा आप, थर्ड डाइल्यूशन में डोज जनरेट होता है और आधा आधा चम्मच दिन में 3 टाइम होता है, ठीक है। या तो आप इन्फेंट को या डोज दीजिए, या यही आधा आधा चम्मच आप माँ को पिलाइए, जिसके मिल्क के माध्यम से वहां पर बच्चे के शरीर में रिजल्ट आता है दोस्तों, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा इन्फेंट्स को, ठीक है, इन्फेंट्स को जो 1.5 साल के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप थर्ड डाइल्यूशन में दीजिएगा, आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार दीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं देना। अगर वही चीज माँ को देना तो यही डोज आप उसकी माँ को देंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा बात, चिल्ड्रन जो 2 साल के आसपास आता है, ठीक है, और ऐसे चिल्ड्रन जिनको इपिलेप्टिक अटैक आ रहा है, जिनको हिस्टेरिकल अटैक आ रहा है, ऐसे पेशेंट जिनमें बहुत ज्यादा हाई फीवर, भाई इस केसेस में आपको तो यही मिलेगा ना, ज्यादातर 2 साल के बच्चों में क्या मिलेगा आपको, फीवर, कोल्ड, कफ, कोराइजा, और साथ में आपको देखना है उसमें इपिलेप्टिक फिट या हिस्टेरिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन यही थर्ड डाइल्यूशन वहां हमने नॉर्मल कंडीशन में आधा आधा चम्मच 3 बार दिए थे, यहां पर आप एक एक चम्मच 8 बार देंगे, मैक्सिमम 6 to 8 times, ठीक है। ये डोज सेट होता है 2 साल का दोस्तों, थर्ड डाइल्यूशन में 8 चम्मच, मैक्सिमम 6 to 8 चम्मच दिन भर में आपको देना है दोस्तों, ठीक है, ये बेसिक डोज होता है दोस्तों। अगर 2 से 6 साल का तीसरा देखेंगे आप, चिल्ड्रन फ्रॉम 2 to 6 ईयर, अगर ऐसे पेशेंट में फीवर आ रहा है,
या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, वही थर्ड डाइल्यूशन। ठीक है, थर्ड डाइल्यूशन आपको दोस्तों थर्ड डाइल्यूशन से शुरू करना है। ठीक है, आप अगर दिख रहा है आपको नहीं बहुत सीवियर पेन है, सीवियर फीवर है, आप 10th डाइल्यूशन में चले जाइए, नेवर माइंड। लेकिन डोज आधा चम्मच से 3 से 4 बार ही देना है दोस्तों, 2 से 6 साल में। ठीक है, अगर यही चिल्ड्रन, ठीक है पांचवी बात करते हैं, चिल्ड्रन 6 से 12 साल का हो या बहुत ही सेंसिटिव वुमेन के लेवल पर हम देखें दोस्तों, ठीक है सेकेंड डायल्यूशन। ठीक है, जैसे जैसे आप एज बढ़ाते जाएंगे डायल्यूशन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी, बॉडी के डेवलपमेंट, बॉडी के वर्क करने के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो 6 से 12 साल का चिल्ड्रन हो रहा है या बहुत सेंसिटिव वुमेन जो होती है, सेकेंड डायल्यूशन यानी न्यूट्रल डोज हमको वहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारी टेबल प्रैक्टिस की बात है दोस्तों। ऐसी वुमन जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा वुमन जो नॉर्मल है लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव मेन है, वो भी फर्स्ट डाइल्यूशन के लेवल पर आते हैं दोस्त। ठीक है, वो फर्स्ट डाइल्यूशन के लेवल पर आते हैं, उन्हें फर्स्ट डाइल्यूशन देना चाहिए। एज वेल एज जो मेन होते हैं, सातवां जो मेन होते हैं, जो नॉर्मल मेन होता है, स्ट्रांग मेन होते हैं, आप उनको ग्लोबल्स में भी दे सकते हो, फर्स्ट डाइल्यूशन में भी दे सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हो। दूसरी बात, अगर आप इनको ग्लोबल्स में देना चाहते हो तो आप कैसे दोगे भाई? इन्फेंट से बहुत सारे लोग मेटीथेरेपी यूज करते हैं, ग्लोबल्स, एमएमपी ग्लोबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लिक्विड को मना करते हैं कि भाई लिक्विड हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप किसी भी चीज के व्हीकल में घुल कर ग्लोबल्स देना चाहते हो, तो जब इन्फेंट्स की बात आओगे तो आप पप्पी साइज की जो ग्लोबल्स होती है 20 नंबर या 30 नंबर, एक ग्लोबल्स देंगे आप, ओनली वन ग्लोबल्स 3 टाइम्स। ठीक है, याद रखिएगा, चिल्ड्रन जो 2 साल का है सेकेंड, उनमें एक एक ग्लोबल्स 4 से 6 बार। ठीक है, जब चिल्ड्रन 2 से 6 साल का होता है उसमें 2-2 ग्लोबल्स 4 से 6 बार। जो चिल्ड्रन 6 से 12 साल का होता है और बहुत सेंसिटिव वुमेन्स होती है, उनमें 3 से 5 ग्लोबल्स दिन में 6 बार, 4 से 6 बार। ठीक है, जो वुमन और बहुत ही सेंसिटिव मेन होते हैं दोस्तों, उनमें जब ग्लोबल्स देते हो आप दोस्तों, बेसिकली आपको 4 से 8 ग्लोबल्स 4 से 6 बार देना होता है। ठीक है, लेकिन जो मेन होता है, स्ट्रांग मेन होता है, उन कंडीशन में जब आप ग्लोबल्स को डिपेंड करते हो, 5 से 10 ग्लोबल अकॉर्डिंगली 4 से 6 बार वहां पर आपको देना है। ये ग्लोबल्स का बेस बताया मैंने। ठीक है, अब आपको पूछने की जरूरत नहीं किसी को, आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिलेक्ट कीजिएगा और आप वहां पर दे दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जब ड्राई ग्लोबल्स की बात करते हैं कि भाई आप ड्राई ग्लोबल्स को देते हो, तो इन्फेंट्स में अगर आप उसको रेशियो देखोगे ना, जो प्रैक्टिकल अनुभव है, केवल सुबह शाम आप ग्लोबल्स दे दीजिए, आप एक एक ग्लोबल सुबह शाम दे दीजिए आप। ठीक है, नाइट और मॉर्निंग में दे दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। कई बार चिल्ड्रन में देखने को मिला है जो 2 साल के लगभग होते हैं, एक एक ग्लोबल्स को 2 या 3 बार देने में ही ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है, आपको ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। कई बार जो चिल्ड्रन होते हैं जो 2 से 6 साल के होते हैं, उनमें 2-2 ग्लोबल्स दिन में 3 टाइम दे दीजिए, बहुत है दोस्तों। 6 से 12 साल और वेरी सेंसिटिव वुमेन की बात करें, 3 से 5 ग्लोबल्स आप 3 से 4 बार दे दीजिए। ठीक है, जब वुमेन्स की बात करते हो 4 से 5 ग्लोबल्स, वेरी सेंसिटिव मेन की बात करते हो 4 से 5 ग्लोबल्स, लेकिन जब एडल्ट मेन की बात करते हो, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन 5 से 10 ग्लोबल्स दिन में 3 से 4 बार आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब आप यहाँ पर कंप्लीटली इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। लेकिन डिपेंड करता है मेडिसिन की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी अच्छी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर गड़बड़ करा होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। ड्राग ग्लोबल्स की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी कंडीशंस होती है तो हमें फ्रीक्वेंटली डोज देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो टेबल प्रैक्टिस में कंक्लूजन निकल के आता है वो मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, आप किसी भी इन्फेंट को दिन में 1 बार दो आप। ठीक है, आप किसी भी चिल्ड्रन को 2 साल का नीचे का है, दिन में 2 बार दो आप बस। ठीक है, चिल्ड्रन जो 2 से 6 साल का है उसमें 3 से 4 बार, मैक्सिमम मैं 4 टाइम्स देता हूँ दोस्तों। जब 6 से 12 साल का बच्चा आता है उसमें 6 टाइम से ऊपर आपको जाना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम 6 टाइम आपको यूज करना है दोस्तों। ठीक है, जब वुमन और जो वेरी हैवी वेरी सेंसिटिव मेन होता है दोस्तों, उसको 8 टाइम्स तक आप डोज, ये मैं हाईली फ्रिक्वेंसी बता रहा हूँ, 8 टाइम तक आप डोज दे सकते हो। और जो एडल्ट मेल होता है, ठीक है, वहां पर आप 1 hourly यानी आप दिन में 10 से 12 बार भी दे सकते हो। ये लास्ट मैंने कैटेगरी बता दी कि इतना डोज भी आप वहां पर दे सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, इतना डोज भी आप वहां पर दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, जब आप वहां पर
किसी प्रकार का लोशन बना रहे हो, किसी प्रकार का कंप्रेस बना रहे हो, किसी प्रकार का इनहेलेशन बना रहे हो, इनहेल करना याद करिएगा, ठीक है, किसी प्रकार का इंजेक्शन बना रहे हो, तो दोस्तों वहां पर इन्फेंट को 5 ग्लोबुल्स के लेवल पर लेकर आपको लोशन बनाना है। जब आप 2 साल के बच्चों के लिए लोशन कंप्रेस बना रहे हो, 7 ग्लोबुल्स को आपको लेना है। जब चिल्ड्रन 2 से 6 साल के बीच के लेवल को बना रहे हो तो 10 ग्लोबुल्स लेना है। जब आप 6 से 12 साल के लेवल पर, बहुत सेंसिटिव वुमन के लेवल पर ले रहे हो, 15 ग्लोबुल्स से लोशन बनाना है आपको, ठीक है। और जब वुमन आप देख रहे हो, वुमन है और बहुत सेंसिटिव मैन है, आप उसको वुमन के कैटेगरी में ही लेकर ट्रीटमेंट करोगे, 18 ग्लोबल्स तक आपको वहां पर लेकर लोशन या कंप्रेस बनाना है। लेकिन जो मेन होता है, एडल्ट मेन होता है, वहां पर आपको दोस्तों 20 to 25 ग्लोबल्स लेकर आपको लोशन बनाना है। अब जब मैं आगे आपको लास्ट मेरा टॉपिक है आपका लोशन बनाना, बाद बनाना, ठीक है, ऑइंटमेंट बनाना, कंप्रेस बनाना क्या किया जाता है, मैं सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज आपको समझने का था दोस्तों। इसीलिए जब आप किसी भी प्रकार से वहां पर इस प्रकार की कंडीशंस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। जब आपको इसका आगे का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, मैं बहुत सारी चीजें आपको माइन्यूटली बताने वाला हूँ जो आपको बताऊंगा। जब आपको ग्लोबल्स बनाना, आपको स्पेशली लोशन बनाना, ऑइंटमेंट बनाना, तो मैं ओरिजिनल मेटाथेरेपी का भी सिखाऊंगा और डाइल्यूशन आपको डायरेक्ट लिक्विड से बनाना भी आपको सिखाऊंगा दोस्तों। वो लेटर में की बात है, वो आगे बताऊंगा। उम्मीद है आपको डोसोलॉजी समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, कई लोग बोलते हैं सर डोसोलॉजी बताते हो आप, D1 D2 D3 हम लोग इसको कैसे दें, उसका प्रोटोकॉल बताइए आप। तो ठीक है दोस्तों, जब आप D1 को देते हो, D2 को देते हो या D3 को देते हो, ये सारा एक्यूट कंडीशन में काम करता है, ठीक है। और एक्यूट कंडीशन में काम करता है इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, 10 से 15 20 तक आप यहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना, एकदम से फंक्शन एग्रावेट हो जाते हैं, ठीक है। जब आप D4 D5 D6 की बात करते हो तो 6 से 10 यहां पर आपको यूज करना है, और जब आप D7 D8 D9 की बात करते हो यहां पर आपको 5 यूज करना है, और जब D10 की बात करते हो 2-2 यूज करना है, ठीक है। याद रखिएगा ये ड्रॉप की कैटेगरी बता रहा हूं। जब आप D1 D2 D3 को देते हो तो 10 से 15 या 20 ड्रॉप से ज्यादा नहीं देना, एकाएक पूरे, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारे फंक्शन लो होते हैं, बहुत सारे हाई होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने पॉजिटिव दे दिया, जो लो फंक्शन है हाई हो जाएंगे, जो हाई फंक्शन है और हाइपर हाई हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप बैलेंस नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, जब क्रॉनिक कंडीशन आती है तो 6 से 10 ड्रॉप बहुत ज्यादा होती है, लेकिन 6 से 10 ड्रॉप देने पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे मेडिसिन में, आगे बताने वाला हूँ, वही टॉपिक चालू होने वाला है। जब हम ऐसी मेडिसिन देते हैं तो दोस्तों डीपली जाकर, डीपली सीटेड होकर मेडिसिन काम करती है, और वहां पर मॉलिक्यूल्स देने से न्यूट्रिशन मिलता है, और जितना न्यूट्रिशन दोगे उतनी जल्दी क्रॉनिक डिजीज से लड़ने की क्षमता आ जाती है। और हम इसीलिए कहते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन के साथ जब हाई पोटेंसी की कुछ मेडिसिन उस ऑर्गन से रिलेटेड दी जाती है तो सारे डिजीज का कंट्रोल उसी के लेवल पर हो जाता है। जो सब्साइड हो रही थी, जो फैल रही थी डिजीज, वो शॉर्ट होकर उसी लेवल पर आ जाती है। इसीलिए हमारा प्रोटोकॉल वहां पर ब्रिलियंटली फॉलो करता है, ब्रिलियंटली सपोर्ट करता है दोस्तों। उम्मीद है ये चीज समझ में आएगी। जब कैंसर की बात आती है दोस्तों, या डीजनरेशन की कंडीशन, D7 D8 D9 आता है, यहाँ पर डीजनरेशन हो रहा है, किसी पार्ट में बहुत ज्यादा टूट फूट हो रही है, ये सार बड़ा हुआ है, आपका डोज केवल 5 पॉइंट ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा वो न सहन कर सकता है, अगर दिया तो और ज्यादा। आप देखो कई बार यही गलती करते हैं और डॉक्टर्स बोलते हैं अरे सर आपने मेडिसिन बताई और उससे तो काम बढ़ गया। बढ़ गया मतलब आपने कंडीशन मेरे सामने प्रस्तुत नहीं करी। आपको ये जानना पड़ेगा कि जब भी प्रोटोकॉल डिसाइड कर रहे हो आप, देखो एक्यूट में है, क्रॉनिक में है या डिजनरेटिव डिसीज में है, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जब कैंसर की बात आती है तो कैंसर में कभी भी हाई डोज आपको सिलेक्ट नहीं करना, वहां पर डोज आपको सिस्टमेटिक लो डोज रखना है, ठीक है। जब लो डोज रखेंगे तो वहां पर आपको रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, काउंट मेजर्स, जो काउंट सीजर मैटी जी ने अपनी रेमेडी पर कई बार एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों, ठीक है। और कई बार एक्सपेरिमेंट करके, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत हाई डोज नहीं दी, उन्होंने 100-100 गोलियां एक बार में पेशेंट को दी, लेकिन जब उन्होंने देखा माइन्यूट डोज को जब डिस्कवर किया तो उन्होंने देखा इससे बेस्ट कोई मेडिसिन हो नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोमोपैथी को बेस्ट रेमेडी का अवार्ड प्राप्त है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो डोज है वो डिसीज की ग्रेविटी के बिल्कुल उल्टे रेशियो में होना चाहिए,
यानी डिसीज मान लो 50% है तो उसी के अकॉर्डिंग 50% में आपका मेडिसिन का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, आप मान लो डिसीज में थर्ड स्टेज है तो मेडिसिन भी थर्ड स्टेज की होना चाहिए। जब कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो कॉम्प्लेक्स रेशियो भी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन भी होना चाहिए। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स मेडिसिन जब कॉम्प्लेक्स डिसीज में दी जाएगी तभी तो दोस्तों आप हील कर पाओगे, तभी तो क्योर कर पाओगे। जिसे अगर आप हाई फीवर के ट्रीटमेंट में चलो दोस्तों तो क्या होगा, हाई फीवर है, हाइपर एक्टिविटी हो रही है, आप क्या करोगे, मेडिसिन को तो लो करोगे ना। इसीलिए उन्होंने पाया कि यहाँ पर हाई फीवर के ट्रीटमेंट में हाई डाइल्यूशन देने पर बहुत ही बेटर इफेक्ट मिलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जब पॉजिटिव है नेगेटिव मेडिसिन दो, नेगेटिव है पॉजिटिव मेडिसिन दो, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग डोज सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 200 डाइल्यूशन दे दोगे तो फीवर उतर जाएगा, नहीं दोस्तों। ठीक है, फीवर किस कैटेगरी में अवेलेबल है, 100 के लगभग, 101 के लगभग, 102 के लगभग, 104 और 105 के लगभग, तब आपको वहां पर देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग इसी लेवल पर प्रोटोकॉल फीवर में भी फेल हो जाते हैं इलेक्ट्रोमोपैथ में, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं करते, वो केवल ये कि हाँ ये फार्मूला है और 10th डायलिशन का सब काम करता, उठा के दे देते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता दोस्तों। क्यों नहीं आता, क्योंकि गलती है। अगर 100 डिग्री के टेम्परेचर में थर्ड डायलेशन बहुत अच्छे से काम करेगा। आप फीवर का फार्मूला नोट कर लीजिए, अभी गर्मी भी चल रही है, लपट भी चल रही है, फीवर बहुत आ रहे हैं और फीवर के कंडीशन आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो। S10, A3, F1, VR1, YEW, ये 10th डायलेशन बना लीजिए अब। ठीक है, जनरली वाई ही देता हूं, डब्ल्यू यूज नहीं करता हूं। ठीक है, S10, A3, F1, VR1, YEW, यही मेरा 10th डायलेशन पर्याप्त होता है। थर्ड, फिफ्थ, 10th मेरे पास हमेशा क्वांटिटी में बना रहता है, लेकिन अभी लपट चल रही है, गर्मी चल रही है, आप इसमें डब्ल्यू एड कर लो और इसको 10th डायलेशन में बना के रख लो। ठीक है, केवल 3 दिन का डोज देना, आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा 101% विदाउट एनी मेडिसिन। अगर इसके साथ आपने F2W का लोशन बना के दे दिया, उसको कहना के पानी में डालो और पूरे सिर पे लगा लो। ठीक है, आप देखो इमीडिएट 10 मिनट में फीवर डाउन हो जाएगा। ठीक है, फॉरहेड पर लगा दो, हाइपोथैलेमस के लेवल पर तुरंत फीवर डाउन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों हम कैसे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने देखा कि किसी भी प्रकार से दोस्तों आप एटॉमिक फोर्स पर जाइए कि इलेक्ट्रोमोपैथ की जो थ्योरी है वो कहाँ काम कर रही है। एटॉमिक फोर्स एटम बम के जैसे काम करती है दोस्तों। ठीक है, यानी उस समय यहाँ पर जो काम कर रहा है वो एटॉमिक फोर्स काम कर रहा है, यानी बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जो सब्सटेंस वहां पर कलेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, उनमें ये फोर्सेस लेटेंट स्टेट में मौजूद रहता है। यानी आगे की तरफ जब आप मॉलिक्यूल्स को देखोगे, भाई क्रूड इसेंस को देखते हो ना आप, कितना गाढ़ा होता है, आप डायल्यूट करते हो तो कहाँ दिखता है, 10th डायलेशन या 5th या 6th डायलेशन के बाद आप जाके देखो, कलर भी नहीं दिखता, बिल्कुल वाटर जैसा दिखता है। ठीक है, कहाँ गए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कहाँ गए, क्या आपने छान के बनाई मेडिसिन, नहीं ना, आपने मॉलिक्यूल्स को स्ट्रोक दे दे के तोड़ दिया। अब स्ट्रोक दे के तोड़ा तो भाई क्या हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, गैसेस में कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ दोस्तों, ये समझ जाइए। आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों, याद रखिएगा। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो टेबल प्रैक्टिस में आपको करना पड़ेगा। मैटी जी तो बड़ी बड़ी चीजें सिखा के गए छोटी छोटी बातों के रूप में, ठीक है, लेकिन उसको जर्मिनेट करने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है दोस्तों, आपको वहां पर करना पड़ेगा। अन्य एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लेनेशन जब आप करते हो तो आपके सामने ये आएगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब कोई भी डिसीज डेवलप होती है दोस्तों, तो वो बहुत डीप में जाकर अपना व्यापक प्रभाव डालती है। ठीक है, इसके लिए भी आपको माइन्यूट डोज की जरूरत होगी। मान लो आपको मैं छोटे छोटे उदाहरण देकर समझा रहा हूं दोस्तों, मान लो ये स्किन है, ये एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है, ये आपकी डर्मिस लेयर है, ये आपकी बोन, ये आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये आपके स्वीट ग्लैंड, ये डर्मिस वाला पार्ट, ये एपिडर्मिस वाला पार्ट, यहाँ से ये आर्टरीज है, यहाँ से ये वेन्स है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जब आप डिसीज का लेवल देखते हो, ये रिंगवर्म हुआ, रिंगवर्म स्टार्टिंग में हुआ तो कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, आपको क्या मेडिसिन देने की जरूरत है, आपको केवल सेकेंड या थर्ड डायलेशन देने की जरूरत है, रिंगवर्म यही करेक्ट हो जाएगा।
स्टार्टिंग में अगर पेशेंट आ जाता है, लेकिन मान लो रिंगवर्म यहां से फैल कर आगे फैल गया, डीप में चला गया, आपकी मेडिसिन क्या होगी? क्या S5C5 करेक्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या डाइल्यूशन थर्ड कवर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। आप जितना डीप में जाते जाओगे उतनी डीप में मेडिसिन भी आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर S3C3 का रोल होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर S5C5 का रोल होता है, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इचिंग आ रही है, V1Y जोड़ दिया आपने, बर्निंग हो रही है, V जोड़ दिया आपने, आपको लग रहा है कि नहीं साहब बहुत क्रॉनिक है, VEN1 जोड़ दिया आपने, आपको लग रहा नहीं साहब इसके कारण फीवर भी आ रहा है, F1 जोड़ दिया आपने। प्रोटोकॉल बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है दोस्तों, लेकिन क्वालिटी समझ में आना चाहिए कि सुपरफिशियल है ये मेडिसिन। अब यहीं पर अगर S3C3 के लेवल पर जाओगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ हमने ब्लड सर्कुलेशन की कोई मेडिसिन जोड़ी नहीं सुपरफिशियल पे, क्योंकि इपिडर्मिस के लेवल पर कोई भी सर्कुलेशन नहीं होता। आप जब डर्मिस के लेवल पर जाओगे नीचे तो वहां पर आपको S3C3 के साथ A3, VAR1, VEN1, Y, B, और जब आखिरी में जब इससे सब कवर होने लग जाए, हीलिंग करना है, डिजनरेशन को खत्म करना है, B को हटाकर G8 कर दीजिए, Y G इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी टाइप ऑफ इंफ्लामेशन एंड इन्फेक्शन इन अवर स्किन, ठीक है? अब ऐसी कंडीशन में दाग हटाना है, APP भी जोड़ दीजिए, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप डायल्यूशन कैसे सेट करते हो। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी वहां पर कोई भी डिसीज डेवलप होती है, स्टार्टिंग पीरियड में सुपरफिशियल होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है वो धीरे धीरे डीप टिश्यू में चली जाती है, और जाएगी किसके माध्यम से? ब्लड और लिम्फ के माध्यम से। और ब्लड और लिम्फ तो आपको पता है लिम्फ के माध्यम से 9 डिसीज का प्रोटोकॉल जनरेट होता है, 1 डिसीज का ब्लड के माध्यम से होता है, ठीक है? इसीलिए दोस्तों आप जब यहाँ पर कैटेगरी पर जाओगे, डीप सीटेड डिसीज के लेवल पर जाओगे, तो डीप सीटेड डिसीज के लेवल पर आपको दोस्तों अपना इफेक्ट दिखाने के लिए आपको मेडिसिन को भी डीप में भेजना पड़ेगा। और यही कारण है कि यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन आप इलेक्ट्रोमोपैथ में यूज करते हो, जितना भी माइन्यूट डोज दोगे, जितना भी कम से कम क्वांटिटी का डोज दोगे, उतना ज्यादा परफेक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए ये माना जाता है दोस्तों कि डिसीज के सिम्टम जो होते हैं ना, प्राय हमेशा देखोगे आउटवर्डली बाहर की तरफ जो निकल कर आते हैं वो साइंस के रूप में विजिबल होता है, और उन्हीं साइंस को डायग्नोसिस करता है हमारे जैसा परफेक्ट डॉक्टर। यानी आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई सिम्टम तो जो पेशेंट बताता है ना, उसको जो दिख रहा वो बता रहा है, जो दिख रहा वो बता रहा, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है आप देख लेना। 90% केसेस में पेशेंट नहीं बताता कि मुझे ये ऑर्गन में प्रॉब्लम है, ठीक है? आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे कोई ओबेसिटी के लेवल पर आया, ठीक है, मेरा मोटापा बहुत बढ़ा हुआ है साहब, अब ट्रीट करो। अब आपको पता होना चाहिए मोटापा क्यों बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बेलेंस, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा होना, तो आपको सीधा से पता होना चाहिए कि यहाँ पर बिलियस टेम्परामेंट इसका गड़बड़ हो गया, यानी बाइल यानी पित्त जहां बन रहा वो चीज कहीं ना कहीं प्रॉपर बन नहीं रही और वो फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा नहीं रहा। आप क्या करोगे? आप लीवर के प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गन का लिंक पता होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं वेलकम टू EH फैमिली दोस्तों, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजिकल के बैकग्राउंड पर आप यहाँ पर जब जनरेट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्शन सीखने को मिलेगा, और जब आप इंटरकनेक्शन नहीं सीख पाओगे तो आप प्रोटोकॉल जनरेट नहीं कर पाओगे दोस्तों, याद रखिएगा। यानी आप जितना नियम के अनुसार जाओगे तो नेचर के लॉ का नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आपको वहां पर आपको स्वयं को समझ जाना है कि टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, जो स्वयं हमने अपने शत्रु पाले हैं ना, हमारे बॉडी में हमने पाले हैं, यानी पेशेंट ने पाले हैं, उसके अनुसार जब आप जाओगे तो सबसे पहले आप दोस्तों नेचर को मजबूत कीजिए। यानी आप प्रयास कीजिए उसको कि जो कमियां हैं उसको अकॉर्डिंगली बताइए कि आपकी ये कमी है, इसके कारण आपको डिसीज डेवलप हो रही है, आप इस कमी को सुधार लीजिए, बाकी का काम हमारा है, हम कर देंगे, ठीक है? आप जितना भी सीरियस केस लोगे दोस्तों, जितने भी सीरियस केस के सिम्टम आपको कलेक्ट करके ठीक करना है, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये तब होता है जब एयर करंट बहुत तेजी से दौड़ेगा दोस्तों। ये कब होगा? जब बॉडी में एयर करंट तेजी से दौड़ेगा, यानी कोई भी ऑब्स्टिकल हुआ बॉडी में या कोई भी मलवा हुआ, तो देखो आप दोस्तों क्या करेगा, तट को हिला दिया जाएगा, ठीक है? इसीलिए दोस्तों आपको जब भी आपको मेटी मेडिसिन को सिलेक्ट करना है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं, मैं क्या, मैटी जी खुद अपनी बुक्स में कहते थे कि मेरी मेडिसिन पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में कार्य करती है, लेकिन
बेसिकली जो चाहे होम्योपैथ की मेडिसिन काम करती है लगभग लगभग वैसी मेडी मेडिसिन काम करती है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा गुण आता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी नेचर के हीलिंग पावर के सेम डायरेक्शन में और वहां पर जो अपोजिट डायरेक्शन होता है दोस्तों उसमें वर्क नहीं करती, केवल सेम डायरेक्शन में काम करती है। यानी जितना भी डीप सीटेड डिसीज होगा जिस रास्ते से गया हम उसी रास्ते से रिटर्न लाकर उसी ऑर्गन के लेवल पर लाकर उसको बाहर निकाल देते हैं। ये थ्योरी होती है और मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको, मैंने देखा है दोस्तों, मैंने मैक्सिमम और जितने सीनियर डॉक्टर है वो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल करेक्ट है कि एनर्जी की जो छोटी मात्रा है वहां पर अगर ऐड कर दी जाए जो कि पहले से वर्क कर रही है हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में वर्क नहीं कर रही, लेकिन वो अपनी पर्याप्त मंशा अनुसार इफेक्ट और प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है। तो हम जब उस माइन्यूट एनर्जी को हमारी बॉडी में डाल देते हैं तो जैसा हमारी बॉडी को जितना अनुरूप काम करना होता है, जिनको बिल्कुल सिमिलर काम करना होता है, उतना सिमिलर इफेक्ट वहां पर प्रोड्यूस कर देती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करने के कारण हमारा पेशेंट भी उसी के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाता है दोस्तों। जितने लोग टेबल प्रैक्टिस को जनरेट करते जाएंगे ना, मेरी एक एक बातें उनको अपने टेबल प्रैक्टिस में याद आएगी दोस्तों। जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ मुझे एक एक चीज पुरानी सब याद आ जाती है, तो ऐसे में आप लोगों को भी आएगी। और जिनको ये आना शुरू हो गया ना, मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पर प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, 101% आप प्रोग्रेस कर पाओगे। तो दोस्तों जब आप एक छोटा सा उदाहरण देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी दोस्तों। जब एक ट्रेन किसी ट्रैक पर दौड़ रही होती है दोस्तों तो क्या होता है, उसको एक बहुत भारी फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है, यानी 1 माइल पर आवर के लेवल पर सेट कर दिया जाता है दोस्तों, अर्थात प्रति घंटे पर 1 माइल का सफर करना रहता है उसको दोस्तों। किंतु जब एक बार शुरू होती है तो पहले की तुलना उससे थोड़े से फोर्स की जरूरत ही होती है, यानी एक बार अगर वो चलने लग गई तो बीच में थोड़ा सा स्लो भी हो गया लेकिन उसको किसी उतने फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना पहले हुई, ठीक है, तो वहां पर वो फिर से छोटे से फोर्स में अपनी गति को प्राप्त कर लेती है दोस्तों। ये जितनी जल्दी ट्रेवल करेगी उतने कम फोर्स की आवश्यकता उसको मिलेगी दोस्तों। यदि वहां पर अगर किसी कारण से दोस्तों, ठीक है, वहां पर अगेंस्ट अगर वहां पर कोई प्रेशर उस रेलवे ट्रैक के अगेंस्ट काम करता है दोस्तों तो क्या होगा, ट्रेन में जो वहां पर उसे रोकने के लिए जो कंपेरेटिवली फोर्स होगा दोस्तों वो कम फोर्स की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो जब भी वो रुकेगा उसको फोर्स की आवश्यकता कम होगी और स्टार्ट के समय आप देखोगे उसको फोर्स की आवश्यकता कम होगी। किंतु यह वो यदि वो तेजी से चलेगी तो अगर बहुत तेजी से फास्ट भाग रही है तो उस कंडीशन में क्या करेगा दोस्तों, उसको वहां पर रुकने में भी उतना समय लगेगा, ठीक है, तो वो लोग जो नेचर के फोर्स के विरुद्ध काम करने के आदि हो गए दोस्तों वो वहां पर रियलाइज नहीं करते हैं और इनके साथ क्या अलग अलग चीजें काम कर रही है वो उसको भी नहीं देखते हैं, वो तो बस कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कॉपी पेस्ट वाले डॉक्टर क्योंकि मजा नहीं आएगा उनको सिखाने में। याद रखिएगा अगर आप अपने गट्स पैदा करेंगे तो मुझे मुझ पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, आपको तीसरे पे विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जिस फोर्स के साथ बॉडी पहले कार्य कर रहा था दोस्तों बाद में बॉडी उसी के खिलाफ वहां पर स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा अगर आपने गलती करी दोस्तों, ठीक है, तो बाद में डिसीज को बाहर निकालने में आपको यही तकलीफ होती है कि आपने अगर डोज पहले से गलत दिया है तो डिसीज वहां निकलने के बजाय और ज्यादा एग्रावेट कर जाएगा। इसीलिए दोस्तों पहले का फोर्स ही नेचर को मदद करेगा और नेचर को क्योर करने में मदद करेगा, इसलिए आप पहले का जो फोर्स है उस बॉडी के लेवल पर जाकर उसके फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल बैकग्राउंड को देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करने के बाद ये देखिए कि यहाँ पर काम कितना हो रहा है, जितना काम वहां पर होगा उसी के अकॉर्डिंग जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज को क्रिएट करते हो तब आपको रिजल्ट नजर आता है। हाँ साहब मैंने आज फर्स्ट डायल्यूशन दिया और फर्स्ट डायल्यूशन में रिजल्ट मिल गया, वैसे ही पेशेंट 2 दिन बाद आया आपने फर्स्ट दिया तो उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप हतोत्साहित मत हो, आपने गलती करी, आपने केवल अपने को रिजल्ट मिला बस उसको फॉलो कर लिया उसी के अकॉर्डिंग कर लिया, आपने बॉडी को टेली नहीं किया। आप बॉडी को टेली करोगे, हर घर में 2 आदमी है, दोनों आदमी का टेम्परामेंट अलग होगा, एक भी होगा तो भी उनका मेडिसिन का जो पावर होगा अलग होगा, किसी को कम लगेगा किसी को हाई पावर लगेगा, इसीलिए हम लोग मिस्टेक करते हैं, एक जैसे D4 में देना बट D4 में दे दो, मैंने D5 में बताया प्रोटोकॉल आप D5 में दे रहे हो, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि वहाँ प्रोटोकॉल कौन से डाइल्यूशन में देना, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है दोस्तों। वे लोग जो इन माइन्यूट डोसेस के उपयोग के द्वारा जितने भी क्यूरेटिव इफेक्ट होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के पॉसिबिलिटी को नकारते हैं ना दोस्तों, वो प्राय होम्योपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ के द्वारा यूज किया जाता है, उसको आगे प्रूव मिल जाता है दोस्तों।
जो इसको नेगेटिव मानता है, अरे क्या होता है होम्योपैथ में, इलेक्ट्रोम्योपैथ में क्या होता है, कुछ नहीं होता, फालतू बात है, ठीक है, वो लोगों को अगर आपको रिजल्ट दिखाना है ना, आप उनको एक एग्रावेशन पैदा करा के बता दीजिए, वो समझ जाएंगे। 1 घंटे में एग्रावेशन पैदा करा सकते हो, अब वो समझ जाएंगे, करे नहीं भाई ये तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, ऐसी कंडीशन को जनरेट करने के लिए एक पेशेंट ने मुझे कहा कि सर मेरे बाल आएंगे भी, फालतू बात मत करो, आपने कितने पेशेंट को ठीक किया है। मैंने कहा आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताओ आपको प्रूफ देखना है। बोले हाँ मुझे प्रूफ देखना है। मैंने क्या करा, जनरली क्या करता हूँ, S5C4A1L1F1Re और स्लास, ये मैं हेयर ऑयल बनाता हूँ और पेशेंट को दे देता हूँ, लेकिन आरी की क्वांटिटी स्लास से आधी रखता हूँ। ठीक है, जितनी मेडिसिन है ना सबको स्ट्रांग लेता हूँ, लेकिन आरी को उनसे आधी रखता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, सब इक्वल कर दिया, आरी को भी इक्वल कर दिया। ठीक है, 3 दिन बाद आके पेशेंट बोलता है मुझे, अरे सर आपने क्या मेडिसिन दे दिया यार, खतरनाक है, मैंने जिंदगी में कभी इतना सेक्स पावर बढ़ा हुआ नहीं देखा, मेरा इतना सेक्स पावर बढ़ा हुआ देखा। मैंने कहा आप मान गए ना, ये जो मेडिसिन है उसमें मैंने एक जादू की मेडिसिन डाली है, आप केवल फ्लोरेट पे लगाया तो आपको सेक्स पावर बढ़ गया, अगर हमारी मेडिसिन इंटरनल लेते तो आपको कितना बढ़ता। ठीक है, दूसरी बात, वो पेशेंट हमेशा बोलता था मुझे नींद नहीं आती। ठीक है, अब देखो आरी देने के बाद भी नींद आ रही, लेकिन वो बोलता था हमेशा मुझे सुस्ती बनी रहती है, खाना खाया के 2 घंटे सोना पड़ता था, अभी ये कंडीशन है, 3 दिन में मैं सोया नहीं हूँ, मेरी नींद उड़ गई है, लेकिन कभी भी एहसास नहीं हुआ, रात को जब भी सोता हूँ स्ट्रांगली सोता हूँ, बिल्कुल 6 घंटे 7 घंटे तक मेरी नींद नहीं खुलती। ये नेचर बताता है कि हम किसी चीज को दे रहे हैं तो किस चीज के लिए दे रहे हैं, उस चीज मैंने केवल एनर्जी जनरेट करने के लिए दिया आरी को स्ट्रांग करके, लेकिन ब्रेन के लेवल पर अगर कभी कभी किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है और आरी लगा के दिया जाता है ना, ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाएगा, आप उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते 7 दिन तक। ठीक है, इसलिए गलती मत करना हाइपरटेंशन वाले को। ठीक है, याद रखिएगा, हाइपरटेंशन वाला हो तो भी आपको कोई टेंशन लेना नहीं, आरी के आधी क्वांटिटी डाल के दीजिए आप। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी आप सीरियसली वहां पर मेडिसिन का बहुत कम पावर की स्टडी ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, मेडिसिन जब माइन्यूट कैरेक्टर में दी जाती है, आप किसी भी बुक को खोल के देख लीजिए, कभी भी उन्होंने माइन्यूट थेरेपी के अंतर्गत यानी डाइल्यूशन के अंतर्गत किसी भी लेवल पर, किसी भी डिजीज के लेवल पर आपको परफेक्टली गाइड नहीं किया, और गाइड नहीं किया इसीलिए क्योंकि काम ही नहीं किया। कई डॉक्टर्स बोलते हैं, कई फार्मेसीज बोलती है 1:9 में प्रैक्टिस करो, डिस्टिल वाटर D4 D5 D6 में मत जाओ, अच्छे आगे आप धीरे धीरे वो भी आने लग गए, नहीं आप एक काम करो आप 10th तक चले जाओ, यानी 1:9 से आप 10th तक आने लग गए वो लोग, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि 1:9 की प्रैक्टिस से D4 D5 D6 पे आप सारे रोग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब उनको भी समझ में आ गया कि माइन्यूट डोज की महत्ता क्या है। ठीक है, अब धीरे धीरे 1:9 से 1:10 पर मतलब 10th डायल्यूशन तक आ गए, पहले लोग 147 से भी 10th तक जाते थे, है ना, बहुत कम लोग डायल्यूशन पे जाते थे, अब मैक्सिमम लोग डायल्यूशन का उपयोग करते हैं। क्यों व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये ट्रूली पॉइंट है, यानी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, जब आप बेसिक चीज समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना ही डाइल्यूट मेडिसिन की जाएगी, जितनी भी पोटेंटाइज मेडिसिन की जाएगी, हालांकि पोटेंटाइजेशन होम्योपैथ से लिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रोमोपैथ की रेमेडी तो अलग था। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है ना, आवाज लाइट बंद हो गई थी इसलिए पूछ रहा हूं ना। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे साइंटिस्ट जब इलेक्ट्रोमोपैथ में जुड़ने लगे ना, अब इलेक्ट्रोमोपैथ का उत्थान संभव है दोस्तों, और हमें भी उनसे ज्यादा आगे जाना है। हमारे डॉक्टर्स जितना प्रैक्टिकल करेंगे ना, हम उन साइंटिस्ट के लेवल से आगे चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि केवल पूरी बॉडी, हमारी जो पूरी बॉडी होती है एटम्स की बनी होती है दोस्तों, ठीक है, जो कि अल्टीमेट एटम होते हैं जो बॉडी के, वो सभी एक समान होते हैं, याद रखिएगा इस बात को, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हमारी पूरी बॉडीज एटम की बनी होती है, और जितने भी अल्टीमेट एटम होते हैं सारे एटम बॉडी के एक समान होते हैं दोस्तों, यानी आप हर एटम को देखोगे, टैली करोगे तो सब एटम एक जैसे काम करते हैं, और इसीलिए दोस्तों साधारण माना जाता है कि जो अल्टीमेट एटम होता है वो अलग अलग तरीके से ग्रुप में जुड़कर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं।
भाई हम भी मानते हैं ना अमीनो एसिड होगा तो वो तो अपना अमीनो एसिड के लेवल पर जुड़ेगा ना, ठीक है। तो यहां पर जो अल्टीमेटम एटम होते हैं वो अलग अलग तरीके से दोस्तों ग्रुप में जुड़कर डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों किसी भी फोर्स के द्वारा वहां पर टूट जाते हैं, किसी भी फोर्स के द्वारा। तो जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं दोस्तों जो आशा करते हैं कि मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करके पुनः मॉलिक्यूल्स को अपने अल्टीमेट एटम में लाया जाए, और ये काम बहुत अच्छे से साइंटिस्ट कर लेते हैं दोस्तों, और ये मॉलिक्यूल्स की वहां पर रीबिल्डिंग करते हैं और इस प्रकार अल्टीमेटम से वहां पर एक नया अल्टीमेटम बना लेते हैं। और यही कारण है जब अल्टीमेट एटम बनते हैं इसीलिए किसी एलिमेंट्स को किसी दूसरे एलिमेंट में टर्न कर सकते हैं। यही यही जो थीसिस होती है ना कॉम्प्लेक्स मेडिसिन की इलेक्ट्रोमोपैथ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये किसी भी एल्केमिस्ट जो साइंटिस्ट होता है उस एल्केमिस्ट का एक आइडियल का वहां पर रियलाइजेशन उसको होता है, जो आशा करता है कि जो बेसन मेथड होती है ना दोस्तों उसको गोल्ड के रूप में टर्न किया जाए, यानी वो यहाँ पर एक अल्टीमेट एटम को दोस्तों वहां पर ब्रिलियंट प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करता है। लेकिन वो यहाँ पर ये देखता है, ये प्रूव करता है कि जो अल्टीमेट एटम का डायमीटर है 1 इंच का, जो 1 इंच होता है ना उसका 1/25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये एटम निर्धारित किया जाता है दोस्तों। अब आप सोच लीजिए जब यहां पर किसी मेडिसिन को अल्टीमेट एटम के रूप में डायमीटर के रूप में सिलेक्ट करोगे, 1 इंच का 1/25 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं होता होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए कोई भी एटम भले ही छोटा हो लो तो, लेकिन उसका जो क्यूबिक इंच का स्पेस देखोगे ना वो इतना लंबा होता है कि उसके बारे में बताना भी जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप मैं खुद नहीं बता पाऊंगा तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा होगा। इसीलिए उस छोटे से एरिया में उसको कंप्रेस किया जा सकता है दोस्तों। जब काउंट सीजर मैटिजी ने ग्लोबल्स में स्क्रोप्लोसो के ग्लोबल्स को छोटे छोटे वहां पर चट्टान के टुकड़ों की तरह दोस्तों वहां पर कलेक्ट किया था, तो मैसिव माउंटेन के साथ में कंपेयर करते थे दोस्तों। वो ये मानते थे कि जो ये छोटा सा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स है इस मॉलिक्यूल्स में इतना एटम है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को दूंगा तो पूरे शरीर के लेवल पर काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर जनरेट की, तो आपको ये पता होना चाहिए। मान लो ये क्रूड इसेंस है, ये आपने एक वायल में क्रूड इसेंस ले रखा है, आपने यहाँ क्या देख रहे हो, आपने यहाँ देख रहे हो कि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में, ठीक है, बहुत गाढ़ा है। गाढ़ा है मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आपने इसको डाइल्यूट किया, ये आपका क्रूड है, ये आपने D1 बनाया, आपने क्या देखा, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ गई, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के गैप बढ़ने के कारण जब आगे आप देखोगे, जब आप यहाँ पर D3 का लेवल बनाओगे तो यहाँ पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। कहाँ गए भाई मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कहाँ गए, जब आप यहाँ पर पोटेंटाइजेशन करते हो, आप स्ट्रोक देते हो, स्ट्रोक देने के दौरान इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस के बीच में रगड़ होती है, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है, और किसी भी एनर्जी को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, वो कभी नष्ट नहीं होती। एक बार एनर्जी बन गई वो कभी भी वहां पर डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, उस एनर्जी को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसीलिए यह प्रोसेस यहाँ पर ऑथेंटिकली एब्जॉर्ब की जाती है दोस्तों। जब इनके ऊपर आप मॉलिक्यूल्स को घर्षण करते हो, आप देखो आप किसी मेडिसिन को अगर आप पोटेंटाइज मेडिसिन को ग्लोबल्स में भी देते हो तो क्या होता है दोस्तों, ग्लोबल्स में भी प्रिपेयर करके देते हो तो क्या होता है, लिक्विड में भी प्रिपेयर करके देते हो तो क्या होता है, जब आप वहां पर उनके बीच में पोटेंटाइजेशन कर रहे हो तो पोटेंटाइजेशन करने के कारण क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में घर्षण होता है, और जब मॉलिक्यूल्स वहां पर एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो दोस्तों वहां पर ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डेफिनेटली एनर्जी को जनरेट करते हैं, एज वेल एज कई बार गैसेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आप ग्लोबल्स में प्रिपेयर करके दोगे तो उसको जब 1 गिलास पानी में, 1 कप पानी में डिजोल्व कराओगे, वो मेडिसिन इतनी जल्दी अडॉप्ट क्यों हो जाती है और इतनी जल्दी वर्क क्यों करती है, क्योंकि वो गैसेस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और हमारी बॉडी में कोई भी गैसेस जाएगी उसको सबसे पहले अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमोपैथ की मेडिसिन है, चाहे वो अणुबम के एटम्स के रूप में जाए, चाहे वहां फ्रिक्शन के रूप में जाए, चाहे वहां डाइल्यूट करके आप डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके जाओगे, वहां पर भी आपको 1:9 से 1:10 तक मेडिसिन केवल डाइल्यूट मिलेगी, उसके बाद आप प्रूफ नहीं कर सकते।
इसीलिए ज्यादातर जितने डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी कंपनीज होती है, वो यही कहती है 1-9 से फॉलो कीजिए और 10th डायलेशन के ऊपर मत जाइए, 10th डायलेशन तक ही आपको प्रूव करना है, उसके आगे आपका प्रूविंग नहीं होगा दोस्तों। ये बेसिक साइंस है, बिल्कुल मैं करेक्ट मानता हूँ। लेकिन दोस्तों जब क्रॉनिक डिस्ट्रक्टिव डिजनरेटिव डिसीज आती है तो 10th डायलेशन भी कुछ नहीं लगता, ठीक है, तब आपको 200, 1000, 10,000, 5000 जाना पड़ेगा, और नहीं जाओगे तो आपके पास बहुत सारे रिजल्ट अनछुए रह जाएंगे दोस्तों। हम लोग गए तो हमें वो रिजल्ट मिल रहा है। मैं पिछले 3 साल से 5000, 10,000 को प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और मेरी बुक बना रहा हूँ पूरी, इतना ब्रिलियंट रिजल्ट आ रहे हैं कि जिसकी कल्पना मैंने अपने 22 साल के प्रैक्टिस में नहीं की थी, और अभी 3 साल में किए तो 25 साल के प्रैक्टिस के बाद मैं कॉन्फिडेंटली हो गया हूँ कि नहीं यार, मैं जो साइंस पढ़ा सकता हूँ, जो बता सकता हूँ आपको, डंके की चोट पे बताऊंगा दोस्तों, जो कोई नहीं, आज तक किसी ने भी 5000, 10,000 का कोई भी नॉलेज नहीं दिया दोस्तों। मुझे नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हो तो ये बहुत अच्छी से थ्योरी समझ लीजिएगा कि हम यहाँ पर 10th डायलेशन के बाद जितने भी डायलेशन बनाएंगे वहां मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल निल। आप प्रूफ ही नहीं कर सकते कि इसमें कौन सी मेडिसिन है। हाँ, आप ये प्रूफ कर सकते हो कि इसमें एक प्रकार की एनर्जी है, वो एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इसलिए याद रखना, जितने भी हाई पोटेंसिस के लेवल पर जाओगे वो एनर्जी के लेवल पर जाएगा। 10th डायलेशन के बाद आप किसी भी मेडिसिन का मॉलिक्यूल प्रूफ नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो ये बोलता है कि 10th डायलेशन से ऊपर नहीं जाना, वो भी सही है, वो भी मैं सही मानता हूँ, लेकिन मैं इस बात से मानता हूँ आज कंडीशन में मल्टीपल डिसऑर्डर होते हैं और मल्टीपल डिसऑर्डर के लेवल पर हमें प्राप्त होते हैं ऐसी ऐसी डिसीज जनरेट हो रही है जिसको मॉडर्न साइंस भी कवर नहीं कर पाता, लेकिन हम वही चीज को अगर हमारी इलेक्ट्रोमोपैथ के बिहा पर हाइपोटेंसिस की मेडिसिन देकर उसको सबसाइड करते हैं तो विद इन सम टाइम्स, कुछ ही दिनों में हमें वो रिजल्ट मिल जाते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे। पैरालिटिक पेशेंट में हजारों मतलब लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी पेशेंट वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा जो हम S1 1000, F1 1000 के लेवल पर दे पा रहे हैं। और अभी तो मैंने मंथली केवल S1 10,000 और F1 10,000 लेकर 3 पेशेंट ऐसे हैं जो 17-17 साल से पीड़ित थे, आज उनके हाथों में फड़कन डाल दी है दोस्तों। 1 महीने में फड़कन आने लग गई है, जो हाथ उठा नहीं पाता था वो पेशेंट हाथ उठाने लग गया। तो ये बेसिक साइंस है दोस्तों, जब तक हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे कभी भी अपडेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आज हम केवल यही रखते हैं दोस्तों, कल इसके आगे का जो बचा प्रोटोकॉल है, क्योंकि बहुत लंबा है, अभी मुझे वो बताना है दोस्तों, तो मैं कल आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी रेमेडी बॉडी में काम कर रही है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं, कल मिलते हैं।